एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इसको हिंदी में कहे तो आयात निर्यात, ये दो शब्दों की चर्चा हम लगभग हर वीडियो में करते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे किसी भी देश की इकोनॉमी को संभाल कर रखती है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस क्या कोई आम इंसान भी कर सकता है, जानेंगे पूरी जानकारी आसान और सरल भाषा में। और फिलहाल श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है वो क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी और आप देख रहे हैं एमसूर्वा एग्रो का डिजिटल पेज। प्राचीन काल से ही दुनिया के लगभग सभी देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते चले आ रहे हैं। यदि हम भारत की बात करें तो एक समय में गरम मसालों के लिए भारत को पूरे विश्व में जाना जाता था। इन मसालों को खरीदने के लिए कई देशों के व्यापारी यहां आते थे। देश विदेश की इस खरीद और बिक्री की परंपरा बढ़ते बढ़ते विश्व व्यापार के रूप ले लिया और वर्तमान समय में दुनिया के लगभग देश अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। इस प्रकार बेचने और खरीदने की प्रक्रिया को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहलाती है। एक्सपोर्ट को हिंदी में भाषा में निर्यात कहते हैं। निर्यात का मतलब यदि हम किसी वस्तु को भारत से दुनिया के किसी भी अन्य देश में बेचते हैं तो यह प्रक्रिया निर्यात कहलाती है। दूसरे शब्दों में एक देश से किसी दूसरे देश में माल बेचने की प्रक्रिया निर्यात कहलाती है। एक्सपोर्ट करने से जिस भी प्रोडक्ट की उपलब्धता उस देश में बढ़ जाती है तो उसे दूसरे देश में भेज दिया जाता है जहां पर उसकी कमी रहती है, जिससे एक्सपोर्ट करने वाले देश को फायदा मिल जाता है। श्रीलंका जो ज़्यादातर प्रोडक्ट का उपयोग दूसरे देशों से आयात होने पर करती है, वहां की स्थिति अभी बहुत खराब हो चुकी है। खाने पीने की चीज़ें दोगुने भाव पर भी नहीं मिल पा रहे हैं। श्रीलंका में स्थिति धीरे धीरे लगभग 2019 से ही देखने को मिल रहा था। श्रीलंका का ज़्यादातर आमदनी टूरिज्म के द्वारा किया जाता था, पर वहां के चर्च में हुए हमले के बाद से टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी प्रभावित हुई। उसके बाद पूरे दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति आ गई और श्रीलंका दूसरे देश पर आयात पर निर्भर है। इसीलिए फॉरेन करेंसी यानी कि डॉलर की कमी होने की वजह से वहां की बैंक और इंपोर्ट आयात को फाइनेंस नहीं कर पा रही है। इसी से आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों, व्यापारियों और सरकार के द्वारा उठाए गए कदम इसलिए भी काफी सराहनीय है क्योंकि इस तरीके की स्थिति यहां पर कभी भी बनती है तो हमें दूसरे देशों पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा किया जाए, इसके लिए एक्सपोर्टर को काफी सपोर्ट मिलता है और इसको इतना आसान बना दिया गया है कि एक आम नागरिक भी आसानी से हर डॉक्यूमेंट्स को समझ सकते हैं। आने वाले समय में भारत का निर्यात का आगे आने वाला है। भारत से इस साल रिकॉर्ड $450 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है और अगले वित्त वर्ष में $650 बिलियन की वैल्यू का एक्सपोर्ट करने का अनुमान है। कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से यह कहा गया है कि अगले 3 साल से हम $1 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर को छू सकते हैं। एक्सपोर्ट के बिजनेस को अब किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से अच्छी स्कीम लानी चाहिए जिससे किसानों को इसे समझने और एक्सपोर्ट करने में मदद मिले। बाकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में हम हर तरीके की अपडेट आप तक लाते रहते हैं। तब तक बने रहे हमारे साथ और कृषि से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए सब्सक्राइब करें।